गाइस ये है बोरो प्लस का एंटीसेप्टिक सोप। जैसे कि विंटर सीजन चल रहा है तो बहुत सारे मेरे व्यूवर्स बोल रहे हैं कि ये स्किन को मॉइस्चराइज करता है या नहीं। अभी जो मैंने थंबनेल में मेंशन किया वो डिटेल में जानने के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक वॉच करना। अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो प्लीज दबा के लाइक शेयर करना, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं पैकेजिंग की। सो पैकेजिंग देख सकते हैं, ये एक प्लास्टिक रैपर पैकेजिंग में ओके पैकेजिंग है। इतनी कुछ खास पैकेजिंग नहीं है, ये मीडियम पैकेजिंग है। इसे छोटी बड़ी पैकेजिंग भी आपको मिल जाएगी। प्राइस की बात करूँ तो इसका प्राइस यहाँ पर बैक साइड पे मेंशन है। इसका प्राइस है 30 रुपीज और नेट ग्राम इसमें 75 ग्राम मिलता है। शेल्फ लाइफ 3 इयर्स और ये ब्राउडली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। इजीली अवेलेबल है केमिस्ट एंड मेडिकल स्टोर्स पर। अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके इंग्रेडिएंट है नीम, तुलसी, एलोवेरा, विटामिन ई, कोकोनट ऑयल, प्रेजर्वेटिव एंड सोप बेस। और ये 100% पैराबेन, मिनरल ऑयल और सल्फेट, आर्टिफिशियल परफ्यूम फ्री है, ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन इसमें आर्टिफिशियल परफ्यूम तो ऐड किया गया है। ठीक है, बात करते हैं क्लेम की। सो ब्रांड क्लेम करते हैं कि आपकी आपके स्किन को करेगा 99.99% जम फ्री और आपकी स्किन को जो एक्ने पिंपल्स होते हैं उनसे भी सेफ रखे, क्योंकि इसमें नीम है, तुलसी है और इसमें एलोवेरा है, जो आपकी स्किन को 24 आवर्स तक मॉइस्चराइज करके रखेगा और आपकी स्किन आपको बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं होगी। चलिए सोप भी ओपन करके मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से ये सोप है, आप देख सकते हैं बोरो प्लस की प्रिंटिंग है, व्हाइट कलर का सोप है, काफी हैंडी है, मतलब ग्रिप बहुत अच्छी है, इसे आप इजीली नहा सकते हैं। और फ्रेग्रेंस की बात करूं, ये बैक साइड से ऐसे फ्रेग्रेंस की बात करूं तो इसमें जो फ्रेग्रेंस है वो माइल्ड है, नहाने के 10-15 मिनट बाद ही फेड हो जाती है, आपको इरिटेट नहीं करेगी, बहुत ही माइल्ड सी फ्रेग्रेंस। आई लव दिस फ्रेग्रेंस। एक्सपीरियंस की बात करते हैं, सो गाइस जैसे कि आप जानते हैं कि विंटर सीजन चल रहा है तो हर किसी की स्किन बहुत बहुत ज्यादा ड्राई है। मैं दिल्ली में रहती हूँ तो दिल्ली की सर्दी तो आप सभी जानते हैं कितनी ज्यादा ठंड है। अगर आपकी स्किन ड्राई नहीं भी होगी ना तो भी ज्यादा बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। लेकिन जब मैंने इससे बाथ लिया, अभी मेरे वॉशरूम में ये पड़ा है, मैंने 2 बार ही नहाई हूँ, इससे नहाने के बाद मेरी जो स्किन इतनी ज्यादा ड्राई हो गई, एक्सट्रीमली ड्राई हो गई कि मेरी स्किन पे व्हाइट व्हाइट से पैचेस बनने लग गए थे। तो मैंने बहुत ही जल्दी बाजी में मैंने बहुत ज़्यादा बॉडी लोशन बहुत क्वांटिटी में लगाया, तब जाके मेरी स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज हुई, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुई और जो वाइट वाइट पैचेस थे वो 2 से 3 दिन के अंदर ठीक हुए। तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप इस सोप का यूज़ करें, क्योंकि स्किन को ना थोड़ा सा ड्राई बना देता है। विंटर सीजन के लिए मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ, अगर समर सीजन में आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये उतना ज़्यादा आपकी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करता है। जो बोल रहे हैं कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज कर देगा, बिल्कुल नहीं करेगा, मेरी स्किन को तो इसने बहुत ज्यादा ड्राई बना दिया, बहुत बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ड्राई। तो मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी, मेरी स्किन ड्राई भी नहीं है फिर भी इसने बहुत ज्यादा ड्राई और वाइट पैची बना दिया। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होगी तो आप सोच सकते हैं कि आपकी स्किन का क्या हाल होने वाला है। सो अगर आपकी स्किन, अगर आपके एरिया में ज्यादा ठंड नहीं है, अगर आपकी स्किन ड्राई नहीं है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है कि आपकी स्किन को ड्राई बना रहा है, ये साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, स्किन को ड्राई बनाते कुछ सोप की ऐसी कंटेंट ऐसा होता है कि वो आपकी स्किन को ड्राई बना देता है, ये कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये बस आपके इसमें जो मॉइस्चराइज कंटेंट है वो कम है जिसकी वजह से ये स्किन को ड्राई बना रहा है। सोप का जो बेस डाला गया है वो थोड़ा ज्यादा डाला गया है कंटेंट। और लेदर की बात करूँ तो काफी अच्छी है, क्रीमी लेदर क्रिएट करता है लेकिन फिर भी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करता है। रेटिंग की बात करूँ तो अपने अकॉर्डिंग मैं इसे 5.4 स्टार की रेटिंग दूंगी। तो ये ओवरऑल प्रोडक्ट तो अच्छा है लेकिन आपकी स्किन को ड्राई बना रहा है, ठीक है, और कोई इसमें कमी नहीं है। अगर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, एक बार यूज करके अपनी स्किन पे भी आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से तो ना है। सो ये था मेरा रिव्यू बोरो प्लस के एंटीसेप्टिक सोप का। उम्मीद करूंगी आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर करें, चैनल पे न्यू आ रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट का रिव्यू आप देखना चाहेंगे। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।